हे गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी कैसे हैं? मैं होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप टोल टैक्स, क्योंकि हम लोग होली मनाने के बाद में हमारे घर पे क्या मंडे को बांसवाड़ा पूजता है, तो वो पूजवाने के बाद में हमारे यहाँ वापस और ट्यूसडे का डे था, तो हम वापस आ रहे हैं। और प्लस आज भी साल का जिनका उद्घाटन है, तो हमें वहाँ पे पहुँचना है। अभी हम निकले थे सुबह सुबह इधर से, अपने घर से आई थिंक 7:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास, जिम की टाइमिंग है 11 बजे, तो मोस्टली हम पहुँच जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी हम टोल टैक्स पर आ चुके हैं, तो यहाँ से मिनिमम 1 घंटा लगेगा आगे का, 1 घंटा या फिर समथिंग इतना ही लगता है। अगर पेरिफेरल पर जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे, तो हम लोग पेरिफेरल पर ही जाएंगे, तो उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। पेरिफेरल को बोलते हैं इंडिया द ग्रीन हाईवे, ग्रीन हाईवे, और दूसरा नाम है इंडिया द मोस्ट लॉन्ग हाईवे, नेशनल हाईवे, बहुत लंबा हाईवे। इंडिया के कोने कोने में ये हाईवे पहुंचा हुआ है, तो इसीलिए पंजाब, चंडीगढ़, बहुत बहुत जगह। तो हम यहाँ से निकल चुके थे, यहाँ पे मेरा चाय पीने का मन था, बट पता नहीं फिर क्या हुआ, हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगाई थी, उसके बाद मैंने मना कर दिया, लेकिन नहीं यार अभी नहीं पी रहे। सो अभी यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे कुछ अच्छा मिलता है। सो तो यहाँ पे अब हम रुके हैं होटल में, तो यहाँ पे स्वाद, अपना स्वाद करके कोई होटल था, तो यहाँ पे रुके हैं हम। और यहाँ से मंगवाई थी हम लोगों ने लस्सी, मीठी ठंडी लस्सी। सो विदित यहाँ पे इंजॉय कर रहा, गाड़ी में खेल रहा था बहुत, मतलब वो कर रहा था, उन्होंने सीसा डाउन करने के लिए बोला, पूछा, चिल्ड नहीं है इतनी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा चिल्ड थी गाइस, सच में जेन्युइन बहुत चिल्ड थी। और विदित यहाँ पे खेल रहा था, शीशे के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने शीशा ऊपर करा ताकि वो बाहर ना जाए, और धूप बहुत ज़्यादा हो, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है बहुत ज़्यादा, और अभी भी विदित मेरे पास नहीं खेल रहा है, तो आपको उसकी वॉइस आ रही होगी। तो और उसके बाद में हम दोनों माँ बेटे यहाँ पे थोड़ा सा प्यार कर रहे थे, दुलार करते दूसरे को, मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, वो कर रहा था, और अभी बहुत ज़्यादा क्यूट होने हो गया है। दूसरा अभी हेयर कट करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी हेयर आए हैं मुंडन के बाद, तो थोड़े अजीब लग रहे हैं। और सेकेंडली उसका बर्थडे आने वाला है अभी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम शॉपिंग कर रहे हैं, और जब ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ गाइस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जिस फ़ोन से ये ब्लॉग बना हुआ था वो फ़ोन चोरी हो गया था, वो फ़ोन मेरा कहीं पे रह गया था, वो मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मिल गया है। मैं इतना बस सकती हूँ कि गुड न्यूज़ है कि वो फ़ोन वापस हम लोगों को मिल गया, वो भी FIR वगैरह कराई, पुलिस वगैरह बहुत कुछ कराया, उसके बाद हमें ये फ़ोन मिला है। सो अभी आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना मुझे बीच में लगा था कि ना करना पड़ेगा, दूसरे फ़ोन से सूट करना पड़ेगा, उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे विदित के साथ आप वॉइस सुनिए उसकी, देखो क्या कह रहा था। बस बस टूट जाएगा, बस बस ए लड़के ले लिया तो फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी। विदित विदित मैं तो लोहे की बनवा दूँ एक। विदित हे बेबी, वाह बेबी अच्छा लगा इसे, दिखाना मम्मा की लिपस्टिक लग गई है चिक पे, दिखाना बाबू। विदु अब तो कह रहा नहीं पहले मैं चला लूं, इसको बहुत इंटरेस्ट है।
गाइज यहाँ पे पहुंच गए हम जिम ओपनिंग में। मैंने चेंज कर ली ड्रेस, पहन ली है, पूरा गेटअप चेंज कर दिया है। कहाँ में साड़ी एंड गोल्ड जरा भी मैंने पहन रखा है, आर्टिफिशियल बहुत अच्छे इयररिंग जो आप इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको साइड में पिक लगा दूंगी अपने अपने हस्बैंड की, जो इतना अच्छा आउटफिट लग रहा था गाइज। उसके बाद मैंने सबने कलावे बांधे और रिबन कटाई वाली वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने यहाँ पे ऐड तो करना चाहती थी लेकिन पता नहीं वो वीडियो मिस हो गई शायद, क्योंकि वो वीडियो मेरे कैमरे से नहीं बनी, वो किसी और ने बनाई थी तो उनके फ़ोन में से उन्होंने सेंड तो किया था, बट पता नहीं आई डोंट नो वो वीडियो कहाँ चली गई, तो वो मैं दिखा नहीं पाई उसके लिए, दिल से आई एम रियली सॉरी। उसके बाद में सबने बांधा कलावा, बहुत सारे गेस्ट आए थे तो सभी अभी तो सभी यहाँ पे हैं, और उसके बाद शायद चले गए हैं जब हम फोटो वोटो ले थे उस टाइम पे, फैमिली मेम्बर ही चले गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पूजा तो टाइमिंग था 10:30-11 के आसपास, लेकिन पूजा हुई थी क्योंकि कुछ गेस्ट लेट हो गए थे, तो समथिंग 1 बजे के आसपास रिबन कटा था तो लेट हो गया था। ये डेकोरेशन विशाल ने करवाई है और काफ़ी कम करवाई है, क्योंकि अभी जिम में लोग आएंगे तो फिर बलून फूटते हैं, वो वॉइस आती है तो उससे कोई मतलब अब मतलब वो मिस मतलब समझ रहे हो ना, आई मीन कोई डरे ना कुछ ऐसा ना, तो बड़े लोग आते हैं लेकिन अचानक तब कुछ बलून फटता है तो बहुत तेज वॉइस होती है और कोई भी इंसान जिम कर रहा हो उस टाइम पे तो ध्यान भटक जाता है, इसीलिए उसने बहुत कम लगवाए, मिनिमम लगवाए। या मम्मी है यहाँ पे, सब बैठे हुए हैं, भाभी है, संजना है, बाकी फैमिली मेम्बर हैं, मामा जी के बच्चे, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे तो वो सब बैठे हुए हैं। हाँ जी बेटा क्या हो गया, एडिट कर रही हूँ वीडियो, आप खेलो। उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ कलावा बांधने के लिए सारी मशीनों में, और सबसे यहाँ पे एक वो रखा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, रॉड बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे कंफर्म नहीं है, आपको पता होगा तो आप मैनेज कर लेना। तो इसमें इस सब में बांधता, लेकिन हाँ डम्बल बहुत सारे थे तो मैंने डम्बल्स में नहीं बांधा, मैंने डम्बल स्टैंड में बांध दिया, एक ही जगह मैंने बांध दिया। उसके बाद मैंने चेयर में बांधा, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है वहाँ पे, वहीं से सब कुछ चालू होता है, ऑफिस किसी भी चीज़ का ऑफिस होता है। यहाँ पे बैठे हैं सारे लड्डू गोपाल जी, राधा जी, राधा रानी और छोटे लड्डू गोपाल, बड़े किरशु, सब बैठे हुए हैं। मैंने सबके हाथ जोड़े, उसके बाद में लगाया सारे में कलावा, जितने भी बच गई थी मशीनें सब में बांधा। और यहाँ पे विशाल दिखा रहा है आपको कि सब में उधर बांध चुका है, काफ़ी बड़ा जिम ओपन करा है और काफ़ी अच्छी मशीन्स हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक समोसा सब खा चुके थे, मेरे लिए बचा था, और लास्ट में बहुत ज़्यादा बच भी गए थे गाइस, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा गेस्ट बुलाए थे लेकिन वो कुछ आ नहीं पाए। यहाँ पे विशाल ने मेरे पैर छुए और मुझे पैसे दिए कि मैंने कलावा बांधा और मुझे पैसे मिले। और यहाँ मैं आपको फुल कंप्लीट अपना लुक खुद दिखा रही हूँ, और मेरा बच्चा चढ़ चुका है इधर इधर उधर खेलो, और बहुत अच्छी लग रही थी ड्रेस ब्लैक कलर की, मैंने नहीं सोची थी ये, मैंने वंस और मैं साथ में गई तो वंस ने ये मुझे मतलब मुझे ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी कोई भी, तो वंस मेरे लिए निकाल लिया है कि एक बार ये ट्राई करके देखो, साइज़ भी है छोटा आप ट्राई करके देखो, तो मैंने वो स्मॉल साइज़ ट्राई करा और गजब लग रही गाइस पहनने के बाद। और इतना जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइल करा यहाँ पे शूज़ वगैरह के साथ तो तब ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अब बारी है मंदिर ओपन करने की, जो कि मंदिर ला चुका है विशाल। सो मंदिर कैसा है वो आप देख लो, खुद सुन लो, अच्छा था, बहुत सुंदर था वैसे।